गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल दीन। तो आज हम स्टडी करेंगे भैसज कल्पना का। हमारा जो एक टॉपिक है, एक चैप्टर है स्नेह कल्पना के बारे में, जो कि हमारा सिलेबस में 8वां पॉइंट है। तो इसके बारे में हम देखेंगे जो जो सिलेबस में इसमें दिया है स्नेह, जैसे स्नेह योनि हो गया, टाइप्स ऑफ स्नेह, स्नेह मूर्छन विधि, स्नेह पाक विधि, पात्र पाक, टाइप्स एंड देयर यूज, ठीक है। स्नेह सिद्धि लक्षण, डोज उसका देखेंगे, मतलब मात्रा, प्रिपरेशन एंड यूजेज ऑफ त्रिफला घृत, ब्राह्मी घृत, नारायण तेल, अणु तेल। तो ये सारे टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे इसके अंदर, स्नेह कल्पना के अंदर, ठीक है। तो जब कभी भी स्नेह की बात होती है तो हमारे मन में सबसे पहले क्या आता है, हमारे घर में जैसे तेल हो गया, वसा हो गया, घृत हो गया, ये सारे मन में आता है कि ऐसी चीज़ जो थोड़ा चिपचिपी हो, भारी हो, ठीक है, और स्निग्ध हो। तो यही सब हमारे स्नेह में आता है, तो यही सब हम बारे में पढ़ेंगे इसके बारे में। तो सबसे पहले चलिए शुरू करते हैं स्नेह कल्पना के टॉपिक। स्नेह कल्पना ये है हमारा स्नेह कल्पना, ठीक। तो स्नेह कल्पना सबसे पहले हम निरुक्ति देखेंगे। तो इसकी जो निरुक्ति है वो स्नेह धातु है, जो स्नेह धातु है, एक धातु है, उसमें घई प्रत्यय लगाने पर स्नेह शब्द बना है, मतलब निष्पन्न हुआ है। तो जो स्नेह धातु है वो पुलिंग शब्द है, ठीक है। तो यह ध्यान में रखिएगा ये कि एक स्नेह धातु जो है वो पुलिंग है और इसमें घई प्रत्यय लगा है, और इससे प्रत्यय लगाने के बाद स्नेह शब्द बना है, ठीक है। तो स्नेह प्लस घई, ठीक है, तो ये ऐड हुआ है स्नेह प्लस घई, इसके बाद स्नेह शब्द बना है, ठीक है। ये स्नेह इधर आ गया, स्नेह यहाँ, ठीक भाई। उसके बाद स्नेह के गुण देखते हैं। तो स्नेह के गुण में जैसे गुरु हो गया, लगभग कब से मिलते जुलते गुण मिलेंगे आपको, एक आध दो गुण ऐसे रहेंगे जो कब के अलावा रहेंगे, नहीं तो सब कब के गुण। जैसे गुरु हो गया मतलब भारी, शीत हो गया ठंडा, सर मतलब जो मूव करता हो, जबकि कफ जो होता है स्थिर होता है, ठीक है। और मंद हो गया, मंद मतलब जो एक जगह बैठा हो, धीरे कार्य करने वाला, स्निग्ध, खर नहीं, मतलब खर का अपोजिट जो होता है स्निग्ध होता है, मतलब जो अच्छा स्मूथ रहे, सूक्ष्म हो, ठीक है, सूक्ष्म मतलब छोटा या माइन्यूट। मृदु हो गया, कठिन ना होकर मृदु है, मतलब सॉफ्ट है, द्रव है, ठीक है। तो इन 8 गुणों वाले द्रव्य को स्नेह कहते हैं। तो ऐसे जो ऐसे द्रव्य जिसमें ये सारे 8 गुण पाए जाए, गुरु, शीत, सर, स्निग्ध, मंद, सूक्ष्म, मृदु, द्रव, तो उसे हम स्नेह कहते हैं। इसके लिए श्लोक भी है, गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम। तो आप याद कर लीजिएगा, गुरु शीत सर स्निग्ध, गुरु जैसे ये लिखा है ये वैसी है, वैसे आपको श्लोक में लिखना है गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रवम। तो ये हो गया हमारा स्नेह के गुण, ठीक है। तो आप ये दोनों याद करिएगा, स्नेह गुण, और इसके बाद हम स्नेह योनि। तो जितना मैं ये नोट्स में पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको 10 नंबर में या 15 नंबर का भी पूछा, तो ये जितना मैं नोट्स में बताया हूँ वो सफिशियंट होगा लिखने के लिए, ठीक है। जैसे कभी कभी पूछ लेता है स्नेह पाक कल्पना, स्नेह पाक विधि, तो ये सारे 5 नंबर में आएगा, और स्नेह कल्पना पूरा पूछ लिया, तो आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ उतना सफिशियंट है कि आप 15 नंबर में लिख सकते हैं, ठीक है। तो अब देखते हैं, देखो आप दो पॉइंट ऐसे पॉइंट बना के लिखना, जैसे स्नेह निरुक्ति लिख दिया, स्नेह के गुण गुरु शीत सर स्निग्ध मंद सूक्ष्म मृदु द्रव, ये हो गया स्नेह योनि। स्नेह योनि भी पूछता है कई बार, तो उसके लिए क्या है कि स्नेह की दो प्रकार की योनि होती है, जंगम और स्थावर, ठीक है। तो एक जंगम हो गई, एक स्थावर हो गई। जंगम से जैसे हम जानते हैं कि जो जंगम में आता है जो पशु पक्षी ये सारे आते हैं, और उनसे जो प्रोड्यूस होता है जैसे दूध, दही, घी, मांस आदि, ये सारे जंगम द्रव में आएंगे, और इसे ही जंगम योनि कहेंगे। स्थावर में क्या होता है, जो पेड़ पौधे से निकलता है, मतलब जैसे तिल का तेल हो गया, चिरौंजी, एरंड, सरसों का तेल, वासा, कुसुम्ब, महुआ, ये सारे जो आएंगे ये हमारे स्थावर योनि में आएंगे। और जो हमारा जंगम में आएगा वो मछली जैसे आ गई, गाय, भैंस, बकरी, पशु आदि, बहुत सारे पशु भी हैं, पक्षी भी हैं, तो वो सारे जंगम कैटेगरी में इंक्लूड होंगे, ठीक है। और जो जो हमारा जंगम योनि में, उसमें सबसे ज़्यादा हमारा घृत मतलब घी, उसके बाद मज्जा और वसा, और जबकि जो सौर योनि में उसमें तेल,
इसमें हम स्थावर योनि से तेल लेते हैं और जंगम योनि से घृत वसा और मज्जा, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं क्या होता है, जो हमारा जो जो क्या कहते हैं, शरीर में बल एवं स्नेहन के लिए हम तिल का तेल प्रयोग करते हैं और विरेचन के लिए एरंड का तेल, ठीक है। अगर हमें विरेचन करवाना है, विरेचन कर्म करवाना है, तो एरंड का तेल प्रयोग करेंगे, तो ये एरंड तेल विरेचन करवाने में सर्वश्रेष्ठ होता है। और जो अगर हमको शरीर में बल एवं स्नेहन के लिए यूज़ करना है, उपयोग करना है, तो तिल का तेल यूज़ करते हैं, प्रिफर करते हैं, ठीक है। तो 3 पॉइंट हो गया। पहला हमारा स्नेह की निरुक्ति, जिसमें हमने देखा कि पुल्लिंग स्नेह धातु में घञ प्रत्यय लगाने पर स्नेह शब्द बनता है। इसके बाद स्नेह के गुण, गुरु शीत सर, स्निग्ध मंद, सूज मृदु और द्रव, ये 8 गुण हो गए। स्नेह योनि देख ली, स्थावर और जंगम, जिसमें जंगम में मछली, गाय, भैंस, बकरी, पक्षी, इन सब का जो मिलता है, इन सब से जो मिलता है, जैसे दूध, दही, मांस हो गया, घी हो गया, वसा हो गया, मज्जा हो गया। और जो हमारे स्थावर में आता है, जैसे पेड़ों का जो तिल हो गया, बीज का मतलब उनका तेल हो गया, चिरौंजी का हो गया, सरसों का हो गया, एरंड का हो गया, कुसुम का हो गया, तो सारे हो गए। स्नेह के प्रकार हम देखते हैं, इसलिए श्लोक आपको ध्यान में रखना है, इम्पोर्टेंट है आपको, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है, ये चरक सूत्र, चरक का श्लोक है, सूत्रस्थान 13 का, ठीक है। तो और 13 चैप्टर का, तो आप लोग कमेंट करके बताइए कि 13 चैप्टर सूत्रस्थान में कौन सा है, ठीक है, बताइएगा कमेंट करके। तो इसके लिए श्लोक देखते हैं। सर्पिस तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेहो उत्तमा मता, सर्पी तैलम वसा मज्जा सर्वस्नेहो उत्तमा मता, एषु चैव उत्तमम सर्पी संस्कारास अनुवर्तनात्। तो ये श्लोक है, यहाँ पे जो सर्पी आया है वो घी घृत के लिए आया, मतलब घृत, घी, वसा, सॉरी यहाँ तैल है सेकंड, फिर थर्ड वसा और फोर्थ मज्जा, मज्जा। तो ये जो 4 प्रकार के स्नेह हैं, घृत, तैल, वसा और मज्जा, ये 4 प्रकार के स्नेह सभी स्नेहों में श्रेष्ठ माने जाते हैं, मतलब उत्तम माने जाते हैं, ये उत्तम है ना, सर्व स्नेहो उत्तमा मता। तो बहुत सारे आचार्यों का मत ये है कि सर्पी मतलब घी, तेल, वसा, मज्जा, ये सभी स्नेहों में उत्तम माने जाते हैं। और इन सभी में एसु चाय उत्तमम सर्पी, और इन सभी में या इन चारों में भी घृत श्रेष्ठ या सबसे उत्तम माना जाता है, सर्वोत्तम माना जाता है, ठीक है। तो आपको ध्यान में रखना कि सभी स्नेहों में घृत, तैल, वसा, मज्जा उत्तम माना जाता है, और इन चारों में घृत, तैल, वसा और मज्जा में घी जो होता है वो सबसे उत्तम माना जाता है या सबसे श्रेष्ठ माना जाता है, क्योंकि ये जो दिया है संस्कारास अनुवर्तन, इसका अर्थ है कि जो घृत होता है वो संस्कार से दूसरों के गुणों को अपने में आत्मसात कर लेता है, मतलब दूसरों के गुणों के अपने अंदर ले लेता है, इसलिए इसको हम घी को सर्वश्रेष्ठ या सर्वोत्तम मानते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार जो हमारा तैल हो गया, वसा हो गया और मज्जा हो गया, उसको हम जंगम स्नेह में जानते हैं कि ये जंगम स्नेहों से मिलेगा, सॉरी तेल नहीं, ये चीज घृत, वसा और मज्जा, ये हमारा जंगम में, और जो तैल होता है वो स्थावर में इंक्लूड होता है, ठीक है। तो ये हो गया स्नेह का प्रकार, आपको श्लोक ध्यान में रखना है और ये इन चारों को नाम रख याद रखना है। और जो मैंने दूसरी लाइन बताई कि जो घृत होता है वो अपने घृत संस्कारों के द्वारा दूसरों के द्रव्यों के गुणों को अपने अंदर आत्मसात कर लेता है, मतलब अनुवर्तन कर लेता है। यह भी कभी कभी 5 नंबर या 2 नंबर में पूछ सकता है। सेकंड है हमारा स्नेह पाक कल्पना, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत बार पूछा जाता है, 5 नंबर, 10 नंबर, 15 नंबर में भी। तो स्नेह पाक कल्पना देखना है, तो क्या इसमें है कि चिकित्सा में प्रयोग करने के लिए घृत, तैल आदि स्नेह को क्वाथ, स्वरस, दुग्ध, जल आदि द्रव पदार्थ तथा औषध द्रव्यों के कल्क के साथ पकाकर जो कल्पना की जाती है उसे स्नेह कल्पना कहते हैं, या स्नेह पाक कल्पना, इसी को स्नेह कल्पना कहेंगे या स्नेह पाक कल्पना कहेंगे, ठीक है। तो अगर हमको चिकित्सा में घृत, तैल इन सब का प्रयोग करना है, इन सब के स्नेह को प्रयोग करना है, तो कैसे करेंगे हम, डायरेक्टली इसको ये नहीं यूज़ कर सकते, इसको हमको कुछ ना कुछ प्रोसेस करके पकाना पड़ेगा, इनकी कल्पना बनानी पड़ेगी, तब हम इसको यूज़ करते हैं। तो वही प्रोसेस है कि जब हम किसी चीज़ को चिकित्सा में प्रयोग करते हैं, जैसे घृत, तिल आदि
के स्नेह को हमको प्रयोग करना है। तो घृत तेल आदि स्नेह को क्वाथ, स्वरस, दूध, दुग्ध, जल या औषध द्रव्यों के कल्क के साथ, मतलब या तो हम घृत तेल इन सभी के स्नेहों का किसी क्वाथ में किसी के साथ किसी क्वाथ में मिलाकर पका रहे हैं, या स्वरस में किसी द्रव की स्वरस में पकाकर जो कल्पना कर रहे हैं, या हम इन्हीं घृत तेल आदि स्नेह को दुग्ध के साथ पकाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है पूरा, इसी को हम स्नेह कल्पना कहते हैं। मतलब इसमें हम स्नेह को किसी भी दूध, जल, द्रव पदार्थ या कल्क में पका कर जो कल्पना करते हैं उसे हम स्नेह कल्पना कहते हैं। ठीक है, स्नेह पाक विधि। तो विधि है कि स्नेह से चतुर्थांश, जितना स्नेह, जैसे घृत लेना है हमको 400 ग्राम घृत लेना है, तो अगर हमको जल लेना है उसमें तो उसको 4 गुना जल लेंगे। ठीक है, तो घृत से 4 गुना जल लेंगे, मतलब स्नेह से 4 गुना जल, क्वाथ, गोमूत्र, दूध आदि। ठीक है, तो स्नेह से 4 गुना जल ले सकते हैं, मतलब जिसमें भी हमको पकाना है, चाहे जल में पकाना है, क्वाथ में पकाना है, गोमूत्र में पकाना है या दूध में पकाना है, तो हम स्नेह से इन चारों को 4 गुना ज़्यादा लेंगे। ठीक है, और चतुर्थांश औसत कल्क लेकर एकत्र पात्र में डालकर मंदाग्नि द्वारा स्नेह सिद्धि के होने तक स्नेह पाक करना चाहिए। ठीक है, और चतुर्थांश मतलब अगर घृत हम 400 ग्राम लिए हैं तो हमको औसत का कल्क 1/4 लेना है, मतलब घृत से 100 ग्राम कम, मतलब 100 ग्राम, ये 400 है, इसका 1/4 लेना है, मतलब चतुर्थांश, तो हमको 100 ग्राम औसत कल्क लेना है। तो अब हमको सिंपल सा ये समझना है कि स्नेह से चतुर्गुण 4 गुना ज़्यादा जल ले सकते हैं, मतलब हमको जिसमें भी पकाना है, जल, क्वाथ, गोमूत्र, दूध आदि, और चतुर्थांश औसत कल्क लेकर एकत्र पात्र में डालकर, एक पात्र में इकट्ठा डालकर मंद अग्नि, मंद अग्नि ध्यान में रखिएगा, ये मंद अग्नि है, मंद अग्नि द्वारा स्नेह सिद्धि होने तक स्नेह पाक करना चाहिए। ठीक है, तो स्नेह पाक काल हमको कितना, किसके साथ कितना देर तक पाक करना है वो देखते हैं। तो स्नेह पाक दूध के साथ, अगर हम स्नेह पाक दूध के साथ कर रहे हैं तो हमको उसको 2 रात्रि तक पाक करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे हमको घृत, तेल, गुड़, अवलेह आदि कल्पनाओं को एक ही दिन में सिद्ध नहीं किया जाता। जो घृत है, तेल है, गुड़ है, अवलेह है, मतलब घृत, तेल, वसा, मज्जा, ये सब है, इन सभी को हम एक ही दिन में सिद्ध नहीं करते, क्योंकि ये कल्पनाएँ बासी होने पर विशेष गुणों का संचय करती हैं। ठीक है, विशेष दोष आ जाते हैं इसमें, इसलिए हम इनको बासी नहीं होने देते हैं। उसके बाद हम देखते हैं क्या क्या, किसमें कितने कितने दिन हमको पकाना है, स्नेह पाक करना है। तो जैसे हमको दूध के साथ स्नेह पाक करना है तो उसको 2 रात्रि तक हम स्नेह पाक करेंगे, स्वरस के साथ 3 रात्रि तक, अगर हमको स्वरस के साथ स्नेह पाक करना है हम तो 3 रात्रि तक, तक्र, कांजी, दही आदि के साथ 5 रात्रि तक, ध्यान में रखिएगा, तक्र, कांजी, दही आदि के साथ 5 रात्रि तक स्नेह पाक करना है, मूलों एवं लताओं के साथ 12 दिन, और धान, मांस, रस के साथ 1 दिन। तो ये आपको याद रखना है, 2, 3, 5, 12, 1। ठीक है, तो स्नेह पाक दूध के साथ, पहला दूध के साथ 2 रात्रि, दूध 2 रात्रि, स्वरस 3 रात्रि, चक्र, कांजी, 5 रात्रि, मूल एवं लताओं के साथ 12 दिन, और धान, मांस, रक्षत 1 दिन। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, एग्जाम में लिख सकते हैं, तो आपको 6 नंबर मिल सकते हैं इसमें, क्योंकि इतना पाक कल्पना पूरा पूरा पूछ लेता है कभी कभी। इसने है मूर्छन विधि। अब हमको मूर्छन कैसे करना है, तो मेनली जो इसने है मूर्छन का विधान, डिस्क्रिप्शन जो है, चरक संहिता, सुश्रुत संहिता, अष्टांग संग्रह, अष्टांग हृदय, सारंगढ़ संहिता आदि प्राचीन ग्रंथों तथा दढ़हर, शक्रपाणि, दत्त, शिवदास, सेन आदि की टीकाओं में नहीं मिलता। मतलब हमके स्नेह, हमको पता है कि स्नेह मोचन विधि जो है, ये चरक संहिता, अष्टांग हृदय, अष्टांग संग्रह, ये सब में वर्णन नहीं है, लेकिन बाद में वृहद योग तरंगणी, योग रत्नाकर, सारंगढ़ संहिता, इनमें स्नेह मोचन विधि का वर्णन मिलता है। तो उसमें जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार देखते हैं कि घृत, तैल आदि स्नेहों की उग्रता, तो विधि है ये। तो अगर हमको स्नेह मूचा पढ़ना है या लिखना है तो इतना हम लिख सकते हैं, तो इतना सफिशियंट है। ठीक है, तो इसमें क्या है कि घृत, तैल आदि स्नेहों की उग्रता
दुर्गंध और आम दोष को दूर करने के लिए उनमें सुगंध व उत्तम वर्ण की उत्पत्ति हेतु सर्वोत्तम कुछ विशिष्ट द्रव्यों के साथ पाक करना स्नेहमोचन कहलाता है। ठीक है, तो अगर हमको घृत, तैल, वसा, मज्जा, इन सब स्नेहों की उग्रता, दुर्गंधता या आम दोष को दूर करना है और उसमें सुगंध या उत्तम वर्ण उत्पन्न करना है, तो सबसे पहले हम कुछ विशिष्ट द्रव्य के साथ इसको पाक करेंगे, मतलब स्नेहों को पाक करेंगे, इसी को हम स्नेह मोचन कहेंगे। तो आपको ध्यान में रखना है, घृत, तेल आदि स्नेहों को की उग्रता, दुर्गंधता या आम दोष को दूर करने के लिए उनमें सुगंध व उत्तम वर्ण की उत्पत्ति के लिए सर्वप्रथम कुछ विशिष्ट द्रव्यों के साथ पाक करना से स्नेह मोचन कहलाता है। और जैसे घृत हो गया, वसा हो गया, तेल हो गया, मज्जा, इन सभी का अलग अलग मूर्छन बताया जाता है। जैसे अगर हमको घृत मूर्छन करना है, तो घृत मूर्छन के लिए हमको एक प्रस्त घृत लेना है, मतलब 768 ग्राम, जो कि 2 मानिका के बराबर होता है। तो उसमें हमको 768 ग्राम घी लेना है, और कौन सा पात्र यूज़ करना है, स्टील का। स्टील पात्र में डालकर घृत को हम मंद अग्नि पर गर्म करके उसको नीचे उतार कर ठंडा कर लेंगे। इसके बाद हमको हरित की, विभेद की, आमलकी, नागर मोथा, हरिद्रा, मातुलुंग, नींबू स्वरस, इन सभी को एक एक फल लेकर उसका कल्क बनाकर, मतलब हरित की, विभेद की, आमलकी, नागर मोथा और हरिद्रा और मातुलुंग, नींबू स्वरस, प्रत्येक को एक एक फल लेकर इनका कल्क बनाकर घृत में धीरे धीरे, मतलब शनह शनह डालना है। बाद में एक प्रस्त जल डालकर मंद अग्नि द्वारा फेन और जल रहित होने तक, जब फेन उसमें ना रहे और जल ना रहे, तब तक हमको घृत को पकाना है। इसी को हम घृत मूर्छन कहते हैं। इससे क्या होता है, घृत जो होता है आम दोष नष्ट हो जाता है, वीर्यवान हो जाता है और सुखदायक हो जाता है। ठीक है, तो ये घृत मूर्छनों के इसी प्रकार एरंड तैल मूर्छन बताया गया है, तिल तैल मूर्छन बताया गया है। पात्र पाक, तो पात्र पाक क्या है कि सिद्ध स्नेहों का प्रयोग जिस रोग में उपयोग करना है, उस रोग को नाश करने वाले पात्र में पाक करना पात्र पाक कहलाता है। तो बेसिकली यही है, पात्र पाक क्या है कि जब हम किसी पर्टिकुलर रोग को, स्पेसिफिक रोग को या डिजीज़ को क्योर करना है हमें, तो उस ऐसे पात्र को लेना है जिसमें उस रोग को नाश करने के लिए उस रोग को नाश करने के लिए क्षमता हो उसमें, उस पात्र में। जैसे ताम्र पात्र है, स्टील पात्र है, लौह पात्र है, अंगलित पात्र है, ये सारे अंगलित ताम्र पात्र है, ये सारे जो हैं आचार्यों द्वारा बताए गए हैं कि हमको कौन सा पात्र कब यूज़ करना है। जैसे सारंगढ़ संहिता में बताया गया है कि काशी आदि घृत का निर्माण करने के लिए ताम्र पात्र में उसका हमको ताम्रपाण यूज़ करना है, मतलब ताम्र पात्र में उसको काशी आदि घृत का निर्माण करना है। तो इसलिए ये बताया गया है कि ताम्र पात्र में कुछ ऐसा गुण होगा जो कि रोग को नाश करने में सहायक होगा, मतलब काशी आदि घृत में ऐसा कुछ ताम्रपात से या उससे कुछ ऐसा गुण आ जाता होगा कि वो रोग को नाश करने में वो पात्र जो होता है सहायक होगा। इसलिए हम पात्र पाक का वर्णन किया गया है, और स्नेह को सिद्ध करने के लिए इसलिए हम अनेक अनेक प्रकार के पात्र ले लिया करते हैं। ठीक है, जैसे केरला में कह सकते हैं, स्नेह पाक करने के लिए ताम्रपात का यूज़ किया जाता है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट देखेंगे स्नेह सिद्धि लक्षण, उसके बाद हम स्नेह पाक के भेद और स्नेह पाक भेदों के उपयोग, स्नेह सेवन मात्रा, त्रिफला घृत, नारायण तेल, ब्राह्मी घृत, अड़ू तेल, ये सब हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि अभी वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा इसलिए मैं बता नहीं रहा हूँ। नेक्स्ट वीडियो में आपको पार्ट टू में इसको देखने को मिलेगा। ठीक है, तब तक बने रहिए हमारे चैनल से, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कोई भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अपना क्वेश्चन पूछ लीजिए। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।